जी हाँ गाइस, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, इस एनिमे कैरेक्टर को मैंने यहाँ पर एनिमेट कर दिया कुछ इस तरीके से। ये सारी वीडियो सिर्फ इमेज की मदद से क्रिएट की गई है, वो भी AI की मदद से, और ये सारी वीडियो बिल्कुल फ्री में मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। इसी तरीके से आप लोग किसी भी एनिमे कैरेक्टर को एनिमेट करके आप लोग उसे वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस टाइप की वीडियो को कैसे क्रिएट करना है आज की इस वीडियो में आपको फुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। एंड दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक रियल पर्सन है जो कि डांस कर रहा है, ठीक है, एंड उसी सेम एक्शन को इस एनिमे कैरेक्टर ने कॉपी कर लिया है। तो दोस्तों, इसे भी आप लोग चुटकियों में क्रिएट कर सकते हो और इस टाइप की वीडियोस को आप लोग YouTube, Instagram पर भी अपलोड कर सकते हो। एंड दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आप लोग इस टाइप की वीडियो बनाना तो सीख जाओगे, लेकिन उन वीडियो से अर्निंग कैसे करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक देखना, वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर आपको एनिमे कैरेक्टर चाहिए होगा। जी हाँ गाइस, एनिमे कैरेक्टर आप लोग AI से भी जनरेट करवा सकते हो, या फिर आप लोग गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोग अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर को भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, यहाँ पर आपको कैरेक्टर वाली इमेज को फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पर चार इमेज को फाइंड कर लिया है। अब इन्हीं इमेजेस का यूज करके मैं इस टाइप की वीडियोस को क्रिएट करने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो सेकंड स्टेप है, इसके लिए यहाँ पर आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है विगल AI, देन यहाँ पर आपको इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हो, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको ज्वाइन द बीटा पे क्लिक करना है। एंड जैसे आप यहाँ पर ज्वाइन द बीटा पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपके सामने आपका जो डिस्कॉर्ड है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको इनवाइट को एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आप लोग आंसर दे सकते हो या फिर आप लोग स्किप कर सकते हो। देन यहाँ पर आपके सामने विगल AI का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, जैसे कि एनिमेट 1, एनिमेट 2, एनिमेट 3, एनिमेट 4। इनमें से आप लोग किसी भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पर एनिमेट 1 पे क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पर आपको टाइप करना है स्लैश, इसके बाद यहाँ पर आपको एनिमेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको उस वाले कैरेक्टर को अपलोड कर देना है जिसे आप एनिमेट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ से इस वाले कैरेक्टर को अपलोड कर देता हूँ। देन यहाँ पर आपको मोशन प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना है। उससे पहले यहाँ पर आपको एक्सप्लोर अवेलेबल मोशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड जैसे आप क्लिक करोगे, देन यहाँ पर आपको विजिट साइट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने विगल AI का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्शन मिल जाएंगे, यानी कि इन एक्शन का आप लोग यूज करके अपने एनिमेशन में ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे एक्शन के प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे। इन प्रॉम्प्ट को आपको सिंपली से कॉपी करना है। एंड कॉपी करने के बाद आप लोग सेम वही एक्शन को आप लोग अपने एनिमे कैरेक्टर में ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कैटवॉक वाले एनिमेशन को सिलेक्ट करता हूँ। एंड यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ओके पे क्लिक करते हो, आपका जो प्रॉम्प्ट है वो कॉपी हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको वापस से डिस्कॉर्ड सर्वर पे आना है। एंड यहाँ पर आपको मोशन प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको उस प्रॉम्प्ट को मोशन प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर देना है। देन यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे, व्हाइट, ग्रीन फॉर टेम्पलेट। तो यहाँ पर आपको ग्रीन सिलेक्ट करना है। ग्रीन क्यों सिलेक्ट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे क्या होगा, आप लोग उस वीडियो का बैकग्राउंड बहुत ही इजी तरीके से रिमूव कर पाओगे। कैसे रिमूव करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए आपको बैकग्राउंड को ग्रीन सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फाइन ट्यून को ऑन कर देना है। देन यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके बाद हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। एंड सी गाइस, आप लोग देख सकते हो हमारा आउटपुट यहाँ पर रेडी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है नॉर्मल इमेज जिसे मैंने यहाँ पर अपलोड किया था। अब इस इमेज को मैंने यहाँ पर एनिमेट कर दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुके। एंड दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने इस इमेज का यूज करके मैंने इस टाइप की वीडियोस को क्रिएट कर दिया, वो भी आपके सामने। अगर आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। एंड सी, आप लोग देख सकते हो हमारी वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग किसी भी एनिमे कैरेक्टर को एनिमेट करके जो भी आउटपुट आता है उसे आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड दोस्तों, इतना ही नहीं, जैसे आप इस वेबसाइट पे विजिट करते हो, यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्शन मिल जाएंगे। उन एक्शन को आप लोग अपने एनिमे कैरेक्टर में यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको अभी करके बताया। एंड दोस्तों, हमारा जो थर्ड स्टेप है, यहाँ पर आपको एक डांस वाली वीडियोस को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आप लोग चाहो तो YouTube से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप लोग कहीं से भी फाइंड कर सकते हो। अब इस वीडियो का रेफरेंस हम लोग यूज करके अपने एनिमे कैरेक्टर को सेम एनिमेशन में अप्लाई करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग रेफरेंस वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर एक लड़की है जो कि डांस कर रही है। अब यही सेम डांस मैं यहाँ पर अपने एनिमे कैरेक्टर के साथ करवाने वाला हूँ। एंड दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा जो मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग एक बार वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो एक रेफरेंस वीडियो है जिसे मैंने YouTube से डाउनलोड किया था, ठीक है। एंड यहाँ पर एक एनिमे कैरेक्टर है जिसे मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस वीडियो में जो भी एक्शन हो रहा है, यानी कि जो भी डांस का सीन हो रहा है, तो हमारा जो कैरेक्टर है वो सेम डांस करने वाला है। तो इसे कैसे करना है, तो ये भी करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सिंपली से यहाँ पर आपको डिस्कॉर्ड पे वापस आना है। एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है स्लैश।
उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है मिक्स। इसके बाद यहाँ पर आपको मिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपके सामने दो बॉक्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले बॉक्स में अपने एनिमे कैरेक्टर को अपलोड कर देना है जिसे आप एनिमेट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर इस वाले एनिमे कैरेक्टर को अपलोड कर देता हूँ। देन यहाँ पर आपको सेकंड वाले बॉक्स में रेफरेंस वीडियो को अपलोड कर देना है। देन यहाँ पर आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप लोग ग्रीन सेलेक्ट करोगे तो आपकी जो वीडियो का बैकग्राउंड है वो चेंज करने में काफी आसानी होगी। देन यहाँ पर आपको फ्यूचर टून को ऑन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड जैसे यहाँ पर आउटपुट आ जाता है मैं आपको दिखा दूंगा। एंड सी गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है मेरा रेफरेंस वीडियो जिसे मैंने यहाँ पर अपलोड किया था। एंड अब आप लोग देख सकते हो इस रेफरेंस वीडियो का सेम डांस यहाँ पर एनिमे कैरेक्टर कर रहा है। मैं यहाँ पर दोनों वीडियो को साथ में प्ले कर दूंगा, आप लोग कंपेयर कर सकते हो, सेम एक्शन को फॉलो कर रहा है। अब आप लोग चाहो तो इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। एंड सी आप लोग देख सकते हो हमारी वीडियो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। तो दोस्तों हमारे जो फोर्थ स्टेप है इसमें आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हो। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो यहाँ पर इस वीडियो का बैकग्राउंड ग्रीन है। यहाँ पर आप लोग ग्रीन बैकग्राउंड को रिमूव भी कर सकते हो। ग्रीन बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करना है उसकी जगह पे आप लोग किसी अदर बैकग्राउंड का भी यूज कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर सेम इसी वीडियो का बैकग्राउंड यूज करने वाले हैं। जब आप लोग इस गर्ल को इरेज कर पाएंगे तभी आपका जो बैकग्राउंड है वो क्लीन होगा। वैसे आप लोग किसी अदर बैकग्राउंड का भी यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर इसी गर्ल वाला बैकग्राउंड यूज करता हूँ ताकि आपको मालूम चल जाए कि वीडियो में कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं हुआ, बस यहाँ पर सिर्फ कैरेक्टर का चेंजेस हुआ। यहाँ पर अगर बैकग्राउंड सेम रहेगा और म्यूजिक सेम रहेगा, फोकस सेम रहेगा, तो यहाँ पर वीडियो में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं रहेगा, तो वीडियो देखने में काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगा, सेम उसी टाइप की वीडियो जैसा। एंड दोस्तों यहाँ पर आप लोग ग्रीन बैकग्राउंड की जगह पे दूसरा बैकग्राउंड भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर इसी वीडियो का बैकग्राउंड यूज करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको इस बैकग्राउंड में से इस लड़की को इरेज करना पड़ेगा। जब तक आप लोग इस लड़की को इरेज नहीं करेंगे तो आप लोग इस वीडियो का बैकग्राउंड यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस लड़की को कैसे इरेज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड इरेज करने बाद आप लोग इस रेफरेंस वीडियो का बैकग्राउंड कैसे आप लोग एनिमेशन कैरेक्टर वाली वीडियोस में लगा सकते हो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको वीडियो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको गूगल पे सर्च करना है रनवे ML। यहाँ पर आपको इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ट्राई रनवे फॉर फ्री पे क्लिक करना है। एंड जैसे यहाँ पर आप ट्राई रनवे फॉर फ्री पे क्लिक करते हो देन यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना होगा। यहाँ पर आप लोग गूगल अकाउंट का यूज करके साइन अप भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ से साइन अप कर लेता हूँ। एंड जैसे आप साइन अप करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको एडिट वीडियोस पे क्लिक करना है। एंड जैसे आप यहाँ पर एडिट वीडियो पे क्लिक करते हो यहाँ पर आपको इन पेंटिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। एंड जैसे आप सिलेक्ट करते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। एंड यहाँ पर आपको अपलोड पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको उस वाली वीडियो को अपलोड कर देना है जिसमें से आप कैरेक्टर को रिमूव करना चाहते हो। तो जैसे कि मैं इस डांस वाली वीडियो को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ क्योंकि मैं इसमें से इस कैरेक्टर को रिमूव करना चाहता हूँ। तो सिंपली से मैंने यहाँ पर इस वाली वीडियो को यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अपलोड करने बाद यहाँ पर आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पर आपको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पर आपके सामने एक छोटा सा ब्रश टूल आ जाएगा। यहाँ से आप लोग चाहो तो ब्रश के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको इस ब्रश टूल का यूज करके इस कैरेक्टर को पूरी तरीके से सिलेक्ट करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड यहाँ से आप लोग जिस भी कैरेक्टर को रिमूव करना चाहते हो सिंपली से आपको इसके ऊपर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर आपको पूरे कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर लोडिंग होगा। एंड सी अब आप लोग देख सकते हो हमारा कैरेक्टर यहाँ पर गायब हो चुका है, बस यहाँ पर सिर्फ बैकग्राउंड का वीडियो प्ले हो रहा है। अब आप लोग देख सकते हो हमारा जो बैकग्राउंड है वो रेडी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट वीडियो पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट सबमिट व्यू पे क्लिक करना है। एंड जैसे आप यहाँ पर एक्सपोर्ट सबमिटेड व्यू पे क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारी जो वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रही है। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। एंड सी गाइस आप लोग देख सकते हो हमारी वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। एंड सी आप लोग देख सकते हो हमारी वीडियो यहाँ पर डाउनलोड हो रही है। देन डाउनलोड करने बाद अब यहाँ पर आपको कैपकट को ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको इम्पोर्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको उस बैकग्राउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पर आपको उस एनिमे कैरेक्टर को अपलोड कर देना है जिसे आपने एनिमेट किया था। देन यहाँ पर आपको दोनों वीडियो को इम्पोर्ट कर देना है। इम्पोर्ट करने बाद यहाँ पर आपको बैकग्राउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पर आपको टाइमलाइन पे लाना है। देन यहाँ पर आपको सेकंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इस वीडियो को इस बैकग्राउंड के ऊपर लाके रख देना है कुछ इस तरीके से। अब आपको जिस भी वीडियो में से ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है तो सिंपली से आपको इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको जाना है कटआउट में। एंड यहाँ पर आपको क्रोमा की को ऑन कर देना है। एंड जैसे आप यहाँ पर क्रोमा की को ऑन करते हो यहाँ पर आपको एक कलर पिकर मिल जाता है। इस कलर पिकर का यूज करके आपको ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोग अपने वीडियो के हिसाब से स्ट्रेंथ और शेडो को कम या ज्यादा कर सकते हो। देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारी वीडियो में से ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। एनसी आप लोग देख सकते हो हमारा वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुका है। चलिए एक बार मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से हमने यहाँ पर फुल स्टेप बाय स्टेप इस टाइप की वीडियोस को क्रिएट कर दिया। एंड दोस्तों इतना ही नहीं, आप लोग यहाँ पर किसी भी एनिमे कैरेक्टर को यूज करके आप लोग इस टाइप की वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस टाइप की वीडियो से आपको अर्निंग कैसे करना है, इस टाइप की वीडियो आप लोग इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकते हो या यूट्यूब या फेसबुक पर अपलोड करके। इससे क्या होगा, अगर आपकी वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आएंगे या आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो होगा तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी या फिर आप लोगों प्रमोशन करके भी पैसे कमा सकते हो। एंड दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।